तो दिस इज अबाउट प्लेस वैल्यू. तो अभी जैसे यस इसने पूछा व्हाट डिजिट इज इन मिलियन प्लेस, तो मिलियन का प्लेस कौन सा है? थ्री और थ्री के कॉमा सेपरेटर्स के बाद ये वाला प्लेस जो है ये मिलियन का प्लेस है, और इसमें डिजिट सिक्स है. तो यहाँ पे सिक्स आंसर होगा, यहाँ पे फोर होगा. तो ऐसे ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है कि क्या बोला जा रहा है. ओके, दैट इज इम्पोर्टेंट. बोर्ड यस दिख रहा है सर, ना? यस सर, यस सर, अभी जैसे हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, यस सर। अभी अभी देखो, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन नंबर 8 है. यहाँ क्या लिखा है? आपको एनसर्कल करना है कौन सा डिजिट 100,000 प्लेस पे. 100,000 प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 100,000 तो इंटरनेशनल सिस्टम में होता है. तो इसको इसको ध्यान से देखो, हंड्रेड नाम थाउजेंड सर, के प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 100,000 प्लेस पे है 3। वेरी गुड. सो ये है 1,000, 10,000, 100,000. सो इस थ्री को एनसर्कल करना है, ठीक है? तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने चाहिए पेज के ऊपर. फिर ये देखो, फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि कैसे करना है, और फिर इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो सॉल्व. इसी तरह बिलियन भी होता है, बिलियन मालूम है ना? यस सर, हाँ, बिलियन होता है. जैसे सिक्स के बाद ये ग्रुप है मिलियन का, और यस नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट थ्री जो है वो बिलियन का है. सर, जैसे कि क्या कहते हैं, 100 इंडियन प्लेस वैल्यू में लाख के बाद करोड़ आता है, वैसे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में मिलियन के बाद बिलियन आता है। बिल्कुल, वेरी गुड. तो ये दिस इज अबाउट प्लेस वैल्यू. अब जैसे, अच्छा, अब उस प्लेस का वैल्यू भी होता है कुछ. प्लेस का वैल्यू क्या होता है? अब ये अगर ये कहता है व्हाट इज द, अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 7 इन दिस नंबर, यानी कि ये जो नंबर 70,000, है? 70,000, हाँ, वेरी गुड. सो उस डिजिट 7 को आप पहले मल्टीप्लाई करोगे जो उसकी प्लेस का वैल्यू है. प्लेस का वैल्यू है 10,000. तो जब 7 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस डिजिट का वैल्यू क्या बन जाएगा? 70,000. ठीक है? यस सर, हाँ, तो ये आप इसकी, ये तो मैं बंद कर देता हूँ ये वाली शीट. तो ये आपको कहाँ पे मिलेगी? ओहो, मुझे बैक करना चाहिए था. स्क्रीन शॉप स्टॉप हो गया। हाँ, मैं अभी फिर से कर रहा हूँ स्क्रीन. तो ये आपको 101 जो है प्लेस वैल्यू, इसमें देखो वी भी लिखा है और डब्ल्यू भी लिखा है, यानी कि इसके अंदर वीडियो भी है और वर्कशीट भी है. वर्कशीट मींस जो टेक्स्ट फॉर्म में होगी, जो आप क्वेश्चंस आंसर्स या कुछ एक्सप्लेनेशन है, तो ये जो वर्कशीट्स है ये भी अटैच की हुई है. तो इसकी आप प्रैक्टिस करना, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट 102 है डेसिमल प्लेस वैल्यू. डेसिमल प्लेस वैल्यू मालूम है ना? यस डेसिमल प्लेस वैल्यू कहाँ, क्या दिखाता है हमें, क्या समझाता है? सर, जैसे अगर जो वंस का प्लेस है, जब उससे भी छोटा प्लेस होगा तो उसको हम डेसिमल प्लेस वैल्यू बताएंगे.
जैसे कुछ चलो ये क्यों नहीं खुल रहा है, और आपके कौन पढ़ रहा है इंग्लिश की क्लास? सर सर बहन पढ़ रही है? ओके, वेरी बहन गुड, व्हाई वुड दी स्टूडेंट टू टीचर को? वो सर फोर्थ लेवल में है। फोर्थ लेवल पे? अच्छा, यस सर अभी इंग्लिश की क्लास चल रही है, मैम पढ़ा रही है। सिस्टर का, बहन का क्या नाम है? मैम सर सुष्मिता हल्दर। अच्छा, सो हमने, हाँ सर स्क्रीन स्टॉप हो गया। ठहरो एक, सो डेसिमल प्लेस वैल्यू क्या होता है? जिसकी वन से भी कम वैल्यू है, जैसे अगर ये वन का प्लेस है, ये टेंस का प्लेस है, तो हमने सीखा था कि हम लेफ्ट से जब राइट को जाते हैं प्लेस वैल्यू बढ़ता है। अब ये मान लो वंस का प्लेस है, जब इससे भी यस छोटा होगा तो हम वंस से राइट को जाएंगे, और जो वन से भी छोटे प्लेसेस हैं उनको, यस सर और ये जो ये वाले प्लेसेस हैं ये, इनको हम कहते हैं होल नंबर्स, ये बड़े होल नंबर्स, और जो ये वाले प्लेस है ये आपके फ्रैक्शनल नंबर हैं, छोटे नंबर हैं, वन से भी छोटे हैं, तो इनको अलग करने के लिए हम बीच में एक डेसिमल पॉइंट लगाते हैं, मैम ठीक है ना? हाँ, कहाँ हो? सर ये समझ आ रहा है डेसिमल प्लेस? यस डेसिमल प्लेस तो पढ़ा था हमने, है ना, सर जिसको हम डेसिमल पॉइंट कहेंगे। सो डेसिमल पॉइंट किस किस को सेपरेट करता है, अलग किसको करता है? एक साइड में आपके होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स, यस और एक साइड में आपके फ्रैक्शन नंबर फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन मतलब सब फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शन सर हाफ नंबर भी तो कह सकते हैं। हाँ हाफ भी होता है, हाफ से अलग अलग भी हो सकता है, क्वार्टर भी हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है। सो इन सबों को हम बोलेंगे फ्रैक्शनल नंबर्स। तो ये ऐसी डायग्राम बनाओ अपनी कॉपी में, जैसे मैंने बोर्ड पे बनाया, इन यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट के जो राइट में है उन नंबर को हम बोलेंगे फ्रैक्शनल नंबर्स, और जो लेफ्ट में है इनको हम बोलेंगे होल नंबर्स, ये आपके होल नंबर्स हैं, और बीच में इनको जो सेपरेट करता है उसको हम बोलेंगे डेसिमल पॉइंट। ड्रॉ अपनी कॉपी में ड्रॉ करो। कर नो हो गया? सर होल नंबर हाँ, जो लेफ्ट साइड में है वो हमारे होल नंबर्स हैं, और जो राइट में है वो हमारे फ्रैक्शनल फ्रैक्शन नंबर, नंबर और इनको जो अलग करता है, अलग करता है उसको हम बीच में पॉइंट लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। फ्रैक्शन तो इसका क्या ये मीनिंग हुआ? सर अब इसका देखो कैसे, और हम कैसे इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर मान लो मैंने इन होल नंबर्स में कोई डिजिट लिखा, जैसे यहाँ पे 2 लिखा, तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 डिजिट मल्टीप्लाइड बाई जो उस प्लेस का वैल्यू है, प्लेस का वैल्यू 1 है,
तो 2 × 1 हो गया 2। और यहां पे अगर मैंने 2 लिखा, उसका क्या वैल्यू बनेगा? या मान लो इस 2 के बदले यहां पे मैं 3 लिखता हूं। अब जो डिजिट 3 है उसका क्या वैल्यू है? डिजिट 3 का वैल्यू है 3000। 3000। 3000 नो कैसे? सर, टू टू एंड सर हाँ? थ्री। नहीं, 3 तो तब होगा अगर ये 3, अगर मैं 3 इस प्लेस पे लिखूं, अगर 2 की जगह पे मैं मान लो यहां पे डिजिट 3 लिखता हूं, तब इसका वैल्यू हो जाएगा 3 × जो प्लेस का वैल्यू, प्लेस का वैल्यू 1 है, तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। लेकिन मैं अब कह रहा हूं कि इस प्लेस पे, ये जो प्लेस है ये वाला, मान लो यहां पे जी मान लो मैंने यहां पे 4 लिखा, तो इस 4 का क्या वैल्यू बन जाएगा? फोर नहीं, 4 एंड हाफ नहीं होगा। पहले आप हमेशा डिजिट लिखो, जैसे मैंने 4 लिखा, 4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस प्लेस का जो वैल्यू है, इस प्लेस का क्या वैल्यू है? थाउजेंड। नहीं, 1000 का 1000 तो बेटे यहां पे है, ये वंस, टेंस, 100, ये 1000 तो ये है। ये जो डेसिमल के राइट में प्लेसेस हैं, इनका वैल्यू मालूम नहीं है? नहीं हाँ, तो फिर हम ये फिर से करते हैं। अभी ध्यान से देखो, हमने क्या सीखा कि जो होल नंबर्स हैं उनका प्लेस है, जैसे ये वंस, ये 10, ये 100, ये 1000, 10000, ऐसे बढ़ते जाएगा, 100000, फिर मिलियन। तो ये हमारा, जब हम राइट से लेफ्ट जाते हैं तो हर स्टेप में कितना बढ़ता है वैल्यू, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जब हम जाते हैं वैल्यू कितना बढ़ता है? 100। नहीं, वो 10 10 टाइम्स बढ़ता है। 10 टाइम्स मतलब वो 10 से 10 से मल्टीप्लाई होता है हर स्टेप में। मैं जब यहां से यहां जाऊं तब भी वो 10 से मल्टीप्लाई होगा। ये तो, ये क्या हुआ, जब मैं राइट से लेफ्ट जा रहा हूं, सॉरी लेफ्ट, सॉरी राइट से लेफ्ट का, हाँ अब मैं अगर अगर अब मैं राइट और राइट को जाऊं, या अगर हम ऐसे, अगर ऐसे समझने की कोशिश करें कि अब मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा उल्टी डायरेक्शन में, यानी कि मान लो, अब ध्यान से देखना, मान लो मैं इस प्लेस से, फ्रॉम 1000 की प्लेस से 100 की प्लेस पे जाता हूं, जाता हूं का क्या मीनिंग है कि अगर मैंने यहां पे एक डिजिट लिखा है 4, और इस 4 को यहां से मैं उठाता हूं और यहां पे लिखता हूं, तो उसका वैल्यू कितना चेंज होता है उसको ध्यान से देख। टेन हाँ, तो ये 10 टाइम्स कम हो जाएगा, तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। सो उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है, मान लो मैंने यहां पे 4 लिखा है और बाकी बाकी जगहों पे मैंने 0 0 0 लगा दिया, तो ये जो डिजिट 4 है इसका क्या वैल्यू होगा? वैल्यू ऑफ डिजिट 4, इसका वैल्यू कितना होगा? पहले मैं डिजिट लिखूंगा 4 और उसको मल्टीप्लाई करूंगा इसके प्लेस वैल्यू से, प्लेस वैल्यू। तो प्लेस का क्या वैल्यू है इस प्लेस का? 1000 का वैल्यू है ना, क्योंकि ये 1000 के प्लेस पे है। तो मैं 4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दैट मींस जो ये वाला डिजिट 4 है इसका क्या वैल्यू बन गया? अब सर 4000। 4000 बन गया, वेरी गुड।
अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं इस डिजिट को यहां से उठाता हूं और मैं इसको राइट को वन स्टेप इफ आई टेक इट ऑन टू द राइट, दैट मींस फ्रॉम हेयर दिस फोर इज बीइंग शिफ्टेड टू हेयर. नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस डिजिट?400. हाँ, सो हाउ डू वी राइट? फर्स्ट वी राइट द डिजिट, देन वी मल्टीप्लाई द डिजिट बाय द प्लेस वैल्यू. व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस प्लेस? फोर नहीं, थाउजेंड बोलो सर. 100 सर. हंड्रेड. 400. हाँ, 400 तो बाद में हो जाएगा, प्लेस का वैल्यू तो 100 है क्योंकि मैंने उसके अंदर 4 लिखा था, इसलिए उस डिजिट का वैल्यू 400 हो जाएगा. ऐसे ऐसे समझना है, ठीक है, कि हर डिजिट का वैल्यू चेंज हो रहा है. इस प्लेस, प्लेस मींस इस बॉक्स, दिस इज अ बॉक्स. इस बॉक्स के अंदर मैंने डिजिट 4 लिखा तो उस डिजिट का वैल्यू 400 बन गया. अब पहले क्या था, जब मैंने इसको यहां पे लिखा था तब क्या, तब फोर उसका वैल्यू क्या था? थाउजेंड जब मैंने यहां लिखा था तब तो 4000 वैल्यू था. जब मैंने उसको एक स्टेप राइट को ले लिया तो उसका वैल्यू कितना बन गया? फोर हंड्रेड हाँ, अब आप देखो, अगर इन दोनों को आप कंपेयर करो, कंपेयर, कंपेयर क्या होता है? सर एक दूसरे को हाँ, एक दूसरे की तुलना करना, कंपैरिजन करना, कि करना. देखना कौन सा बड़ा है. तो दैट मींस जब मैंने इसको, इन दोनों को इफ आई कंपेयर, द वैल्यू हैज डिक्रीज बाय हाउ मच? फर्स्ट द वैल्यू, फर्स्ट व्हेन इट वाज हेयर द वैल्यू वाज 4000. नाउ व्हेन आई हैव शिफ्टेड टू राइट वन प्लेस टू द राइट, इट्स वैल्यू हैज डिक्रीज्ड बाय 10 टाइम्स. अभी देखो 10 टाइम्स हुआ है कि नहीं. अगर आप 4000 को 400 से डिवाइड करोगे, फोर वन जा फोर, फोर टेन जा 40, तो दैट मीन्स 10 टाइम्स. 10 times डिवाइड हुआ. हाँ, 10 टाइम्स रिड्यूस हो गया, रिड्यूस या डिवाइड. तो इससे क्या हम क्या सीखा हमने, कि जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, जब हम लेफ्ट से एक प्लेस राइट को जाएंगे, हमारा वैल्यू, जो डिजिट का वैल्यू है, वो कितना डिक्रीज होगा? टेन डिवाइड हाँ, दैट मींस टेन टाइम. डिवाइडेड बाय 10. और ठीक है, सर जब राइट से लेफ्ट जाएंगे तब 10 मल्टीप्लाइड बाय. टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. हाँ, बहुत बढ़िया. अब देखो, अब जब आपको ये समझ में आ गया, अब बहुत इजी है. अब मैं कह रहा हूं, ठीक है, मैं यहां से, पहले यहां से यहां आया, फिर राइट को, फिर राइट, फिर राइट, फिर करते करते मैं वंस की प्लेस पे आ गया. अब जब मैं वंस से भी अगर मैं राइट को जाऊं तो क्या होगा? अगर यहां पे मैंने एक और बॉक्स बनाया, जो अभी हमने सीखा था, वो डेसिमल पॉइंट लगाना पड़ता है. तो ये जो वंस के बाद, वंस के राइट में जो बॉक्सेस आएंगे, इन ये दीज आर फ्रैक्शनल नंबर्स. तो इनका भी कुछ, इनका भी कोई प्लेस नेम है और प्लेस वैल्यू है, मालूम है? सर दिस इज वंस, टेंस, हंड्रेड. जब मैं वन से राइट को जाऊंगा, डेसिमल पॉइंट के बाद बॉक्स बनाऊंगा, बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, प्लेस. इस प्लेस का एक नेम भी होगा, हर प्लेस का, हर प्लेस का, जैसे इसका नेम है वंस, टेंस, सर हंड्रेड्स,
और उसका वैल्यू भी है। इसका वैल्यू क्या है, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैल्यू मिलता है, हर प्लेस का वैल्यू। अब ये जो फर्स्ट फ्रैक्शनल नंबर प्लेस है, वंस के पहला राइट में, इसका प्लेस नेम क्या है बताओ, मालूम है इसका प्लेस नेम? क्यों, ये तो याद होना चाहिए, इसका प्लेस नेम है, लिखो कॉपी में, 10th। अच्छा इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस है उसका क्या नेम है, प्लेस नेम की बात कर रहा हूं मैं। सर, यहाँ पे लिख लो। हाँ लिखो लिखो, इसका नेक्स्ट बॉक्स जो है उसका प्लेस नेम है 100th, HUND, पहले 100 लिखना है, फिर साथ में TH, 100th। इसी तरीके से पहले को मैंने 10 लिखा, साथ में TH लिखा, 10th। अभी इसके बाद मैं एक और प्लेस राइट को जा रहा हूं, इसका क्या प्लेस नेम है, इसका है पहले मैं लिखूंगा 1000, फिर साथ में TH लगाऊंगा, 1000th। नाउ दीज आर प्लेस नेम्स, नॉट अभी मैं वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, सिर्फ नेम, हम सिर्फ नेम की बात कर रहे हैं, प्लेस नेम। सिमिलरली ये जो पहला है इसका नेम क्या है, वंस, इसका क्या है, 10 या टेंस, इसका क्या है, 100। दीज आर प्लेस नेम, ओके, दीज आर ऑल प्लेस नेम। अब इनके नीचे हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे, चलो वो मैं ब्लू कलर से लिखता हूं। तो 1 का प्लेस वैल्यू क्या है, हमने सिंपली 1 से मल्टीप्लाई करना है। 10 का प्लेस वैल्यू क्या है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। सर, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। हाँ वेरी गुड। अब ये जो 10th है इसका क्या प्लेस वैल्यू है, अभी आपने क्या सीखा था, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं हम 10 से डिवाइड करते हैं, तो अब जब मैं वंस वंस की प्लेस से भी एक साइड एक राइट को जा रहा हूं एक प्लेस पे, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 10। तो इस 10th का वैल्यू क्या हो गया, 1/10, 1/10 बोलो या 1 डिवाइडेड बाय 10। अब नेक्स्ट प्लेस का इसका वैल्यू क्या होगा, 1/10, इसको फिर से 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 1/100 बन जाएगा। इसी तरीके से 1000th जो प्लेस है उसका वैल्यू क्या बनेगा, 1/1000। थाउजेंड हाँ तो ये तीन, ये क्या है, दीज आर प्लेस वैल्यू। एंड दीज आर प्लेस नेम, तो ये याद रखना, ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये जो मैं ऐसे सर्कल कर रहा हूं, दीज आर प्लेस नेम, और जो ये बॉक्स में मैंने लिखा, दीज आर प्लेस वैल्यू। आर यू गेटिंग इट? यस सर। अब किसी भी प्लेस में, किसी भी प्लेस में अगर मैं कोई डिजिट थाम, हाँ बोल, सर थाउजेंड के बाद भी कुछ आता है? हाँ 1000 के बाद 10,000 आएगा। जैसे जैसे आप यहाँ पे बढ़ते जाते हो, यहाँ 100 के बाद क्या होता है, 100, यहाँ 100 के बाद 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, यहाँ पे साथ साथ में TH लगाना है, 10th, 100, 1000, 10,000,
100,000th, 1,000,000th, साथ में टीएच लिखते जाना है और वन से डिवाइड करते जाना है। समझ में आ रहा है? यस सर। दैट मींस अगर मैं फिर से लिखूं, मैं बोर्ड को फिर से क्लियर करता हूं। अब मैं फिर से बॉक्स बनाता हूं, ये बीच में डेसिमल पॉइंट, 1,100,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000, ऐसे मैं बढ़ते जाएगा, वैल्यू बढ़ते जाएगा। और राइट को जाऊंगा, 10th, 100th, 1,000th, 10,000th, 10,000 का क्या वैल्यू होगा? 1/10,000। 1/10,000। फिर अगर मैं कहूंगा इसके बाद वाले का वैल्यू क्या होगा? 1/100,000। अगर क्या कहते हैं वो, अगर ये इंडियन प्लेस वैल्यू में हो गए तो ये हाँ 100,000 के 100,000 नहीं होगा, 1 लाख होगा सर। हाँ फिर लैक हो जाएगा, फिर हम 3 के बाद 2 कॉमा लगाएंगे, लेकिन उसका वैल्यू तो से वही होगा, 1/100,000। अब ये तो हो गया हम हमारे का, दीज आर ऑल प्लेस वैल्यू। अब किसी भी प्लेस वैल्यू, किसी भी बॉक्स के अंदर अगर मैं कोई डिजिट लिखूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस यहां ये वाले डिजिट में मैं 5 लिख रहा हूं, अब यहां पे जो ये मैंने 5 लिखा, इस 5 का वैल्यू बताओ इस प्ले, अब ये इस 5 का वैल्यू क्या बनेगा? पहले मैं डिजिट लिखूंगा, फिर उसको सर सर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, डिवाइड हाँ वही मेरा, चलो डिवाइड ही सही, अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 1/100 लिख सकता हूँ, या डायरेक्टली डिवाइड भी लिख सकता हूँ, 5/100। हंड्रेड। वेरी गुड। अगर अब मैंने, तो अब ध्यान से देखना, बिल्कुल ठीक बोला आपने, सो इसका वैल्यू बन जाएगा 5/100। अब मैं इसको मिटाता हूं, अब मैं वापस पहला जो प्लेस है ये वाला, इसको मैं यहां पे 1 लिख रहा हूं। अब इस 1 का वैल्यू क्या होगा? बताओ, शाबाश। सर वन से डिवाइड अपॉन 1। 1 कैसे है बेटे? इसका तो अपॉन 10 है ना, इसका 1/10 सर है, इसका 1/100 है, तो मैंने क्योंकि डिजिट 1 लिखा है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/10, ठीक है ना? अगर अब आप ध्यान से देखो, मैंने यहां पे क्या नंबर लिखा है, अब सिर्फ यहां पे ध्यान देना है, यहां पे यस मैंने क्या नंबर लिखा है? 0.1, सर। ठीक है ना, 0.1। यस तो दैट मींस 0.1 भी हम लिख सकते हैं, या 0.1 का वैल्यू कितना होगा? 1/10। सब 1/10। हाँ अब देखो, इसीलिए बीच में मैंने इज इक्वल टू लिखा है, यानी कि ये ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, उनका वैल्यू सेम है, बीच में इक्वल लिखा है मैंने। तो ये जो ऐसे लिखा जाता है, ऐसे इस शक्ल को क्या कहते हैं? डेसिमल फॉर्म। शक्ल को हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्म, तो डेसिमल इसको हम बोलेंगे डेसिमल फॉर्म। और इसको क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन फॉर्म, क्योंकि ये फ्रैक्शन की शक्ल में लिखो एक कॉपी में। दैट मीन्स 0.1 इज इक्वल टू 1/10। तो ये आज आपने सीखा कि एक आपने
फ्रैक्शन फॉर्म नंबर में, ये नंबर जो है फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, और ये सेम नंबर यानी कि सेम वैल्यू डेसिमल फॉर्म में भी लिख दिया आपने. इज इट क्लियर? तो कल अगर मैं कभी, मैं क्या, कोई भी आपको बोलेगा कि अच्छा बताओ पॉइंट वन को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो, आपको एकदम पता चलना चाहिए अरे यहां तो डेसिमल के बाद एक प्लेस राइट को गया हूं, तो मैं इस डिजिट को एक, क्योंकि एक राइट को गया हूं दैट मींस एक जीरो लगाऊंगा नीचे. सो पॉइंट वन इज इक्वल टू वन अपॉन टेन. अब एक चीज हमने थोड़ा सा सीखना है, या सीखना क्या, याद रखना है एक तरीका है लिखने का, कि जब भी हम डेसिमल में लिखते हैं जैसे पॉइंट वन लिखा, तो ये जो वंस की प्लेस है इसको हम खाली नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये नहीं तो ये कई बारी पॉइंट दिखाई नहीं देगा, तो इसको हम खाली ना छोड़ने के बदले हम इसमें जीरो डाल देते हैं. तो इस ऐसे लिखते हैं, पॉइंट वन के बदले हम क्या लिखेंगे, जीरो पॉइंट वन, जो जो सही तरीका लिखने का है, इसलिए हम यहां लिखेंगे जीरो पॉइंट वन. यहां भी लिखूंगा मैं जीरो पॉइंट वन. सर इसे लिख के राइट में लिख सकते हैं? किसके राइट में सर? इसको इसको कॉपी में लिख के मैं राइट वे लिख दे रहा हूँ. हाँ राइट वे, राइट वे इज दैट वी हैव टू फिल द वंस प्लेस, जो ये वंस की प्लेस है इसमें हमें कुछ भरना है, इसमें अगर खाली है, अगर खाली है, इसमें कोई डिजिट भी हो सकता है, इसमें ऐसे भी हो सकता है कि वंस के प्लेस पे टू है, तो फिर क्या नंबर बन जाएगा, जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे ये बन जाएगा 2.1. लेकिन अगर ये खाली है तब हम उसको खाली नहीं छोड़ेंगे, तब हम इसको जीरो जरूर साथ में लिखेंगे. सर मेरा क्वेश्चन था, सर अगर वन में जीरो रहेगा और अगर टेंथ में वन रहेगा तो सर वो टेन डेसिमल वन टेंथ हो जाएगा. मैं एक आपकी बात समझने की कोशिश करता हूँ. आप कह रहे हो कि ये डेसिमल पॉइंट है, ये आपका टेंथ प्लेस है और ये वंस प्लेस है, अब आप क्या कह रहे हो? सर टेंथ में अगर वन होगा, टेंथ इस वाली में वन होगा, ओके सर टेंथ में टेंथ टेंथ यही तो है, टेंथ टेंथ बोल रहे हो या टेंथ बोल रहे हो? सर टेंथ 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 तो फिर यहाँ ये वाला, यस सर, क्योंकि ये तो वंस है और ये टेंस है, टेंस में अगर वन होगा, ओके तो अगर ये सर वंस में अगर जीरो होगा तो टेन डेसिमल टेंस जीरो होगा. हाँ ये भी अगर जीरो है तो ये कैसे लिखेंगे हम, 10.0, क्योंकि ये जीरो यहाँ पे लिखा मैंने डेसिमल के बाद, ये वंस की जगह जीरो लिखा, ये टेंस की जगह वन लिखा, तो हम इसको लिख सकते हैं 10.0. लेकिन हम नॉर्मली, क्योंकि जब डेसिमल के बाद अगर राइट में अगर जीरो हो उनका कोई मीनिंग नहीं होता, आप इसके बाद जितने मर्जी जीरो लगाओगे उसका वैल्यू तो केवल 10 ही होगा, इनका कोई मीनिंग नहीं है. वैसे आप लिख सकते हो 10.0 भी लिख सकते हो या केवल 10 लिख सकते हो. सर अगर ये हम रुपीस में करें डेसिमल, तो सर अगर 10 का वैल्यू 10 रुपीस है तो सर 10 का कुछ वैल्यू होता है? किसका वैल्यू होता है, 10th का? हाँ 10th का वैल्यू होगा ना. देखो अगर अब आप कह रहे हो रुपीस में, ये मान लो रुपीस में अगर यहाँ पे वन है और जब डेसिमल के बाद अगर हम
यहां पे कुछ भी लिखे, मान लो यहां पे मैं 2 लिखता हूं, तो उसका मतलब है 1.2 रुपीज। अब ये तो होल नंबर है, ये तो 1 रुपी है, और ये 0.2 क्या हमें बताता है कि हमने इस 1 रुपी को उसका फ्रैक्शन किया। अभी अभी रुपीज का जो नेक्स्ट छोटा यूनिट है वो पैसे है, तो 100 पैसे का 1 रुपी होता है, यानी कि यहां हम 2 डिजिट्स रखें। अगर मैं यहां पे 2 डिजिट्स में यहां पे अगर मैं लिखता हूं 50, तो ये बन जाएगा 1 रुपी 50। तो ये जो 50 है ये पैसे, इसको हम पैसे लिखेंगे और इसको रुपीज लिखेंगे। ठीक है, ये समझ आया? यस 1 रुपी 50 पैसे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ₹1.50। ये हम आगे सीखेंगे। अभी एक काम करना, मैं आपको बताता हूं, अगर आप यहां जाओगे, ये जो डेसिमल जो हमने अभी पढ़ा, डेसिमल प्लेस 102, इसका ये वीडियो देखना आप, ये होमवर्क है। 102 को क्लिक करना। हाँ वर्कशीट भी करना है। अच्छा, हाँ इसका देखो वर्कशीट भी है, ये वर्कशीट है और ये वीडियो है, तो आप इस वीडियो को देखना और फिर इस वर्कशीट को ट्राई करना, ठीक है? तो ये होमवर्क है, फिर मेरे को आप कॉपी दिखाना अपनी कि आपने ये किया क्या। ओके 102 को, ओके। चलो आज के लिए यस इतना काफी है। सो यू व्हाट वी हाँ टुडे वी हैव डन 101 एंड 102, एंड यू शुड एज अ होमवर्क यू शुड डू दिस 102। ओके देन बाय बाय सर, गॉड बाय, ब्लेस यू सर। थैंक यू।